क्या होगा अगर एमसीयू के मैड टाइटन थैनोस और भगवान विष्णु के छठे अवतार और महादेव के शिष्य भृगुवंशी परशुराम के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, एमसीयू का मैड टाइटन थैनोस या महादेव के शिष्य भृगुवंशी परशुराम। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो परशुराम और थैनोस दोनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव सैंड की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। इसलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात करते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें परशुराम की तो परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे जिनका नाम पहले राम ही था, पर बाद में उन्हें भगवान शिव ने एक दिव्य कुल्हाड़ी दी जिसे परशु भी कहा जाता है, जिसके बाद उनका नाम राम से परशुराम पड़ा जिसका मतलब था कुल्हाड़ी और राम या कुल्हाड़ी के साथ राम। भगवान परशुराम चिरंजीवी यानी इमोर्टल है जो की रामायण के टाइम पर भी थे, जब राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा था। महाभारत के टाइम पर वो भीष्म द्रोणाचार्य और कर्ण के गुरु थे और कलयुग के अंत में भी अपेयर होंगे जब भगवान विष्णु 10वीं और अंतिम बार पाप का नाश करने के लिए कल्कि रूप में अवतार लेंगे जहां पर वो उनके गुरु बनकर उन्हें गाइड करेंगे। भगवान परशुराम ने पूरे 21 बार हर एक क्षत्रिय चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो उन सभी को मारकर पूरी अर्थ को कॉन्कर किया था। एक बार जब परशुराम भगवान शिव से मिलने जा रहे थे तो गणेश ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद परशुराम इतना ज्यादा गुस्सा हो गए कि उन दोनों के बीच में युद्ध हो गया और इस फाइट के दौरान परशुराम ने भगवान गणेश का एक दान तोड़ दिया और इसी के बाद भगवान गणेश का नाम एक दंत पड़ा। भगवान परशुराम ने कठोर घोर तपस्या करके हर उस वेपन को हासिल कर लिया था जो त्रिदेव के पास थी और इसी दौरान उन्हें एक कुल्हाड़ी यानी परशु भी मिला जो कि भगवान शिव का था। परशुराम भगवान शिव के शिष्य थे और उन्होंने अपनी धनुर्विद्या और फाइटिंग टेक्निक महादेव से सीखी थी और उन्होंने अपनी फाइटिंग स्किल्स और टेक्निक्स को टेस्ट करने के लिए स्वयं महादेव को युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया जो कि कई दिनों तक चला और उन्होंने एंड में भगवान शिव के माथे पर एक स्कार तक को क्रिएट कर दिया था जिसे भगवान शिव ने अपने शिष्य के शौर्य के रूप में स्वीकार किया और इस कट का निशान आज भी महादेव के माथे पर है। जिसके बाद भगवान परशुराम ने महादेव की गुरु दक्षिणा के रूप में लाखों महाशक्तिशाली पापी असुरों को कुछ ही घंटों में मार डाला। भगवान परशुराम ने कार्तिवीर अर्जुन की नौक्षोणी सेना को कुछ ही मिनटों और उसके 100 पुत्रों की सौक्षोणी सेना को कुछ ही घंटों में मार कर उन्हें हरा दिया था। और सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि महाभारत के महाविनाशी युद्ध में कौरवों के पास सिर्फ 11 क्षोणी और पांडवों के पास 7 अक्षोणी सेना थी। मतलब अगर उस फाइट में भगवान परशुराम भाग लेते तो ये युद्ध कई दिनों के बजाय कुछ ही घंटों या एक घंटे से भी कम टाइम में ही खत्म हो जाता और महाभारत के महाप्रतापी और महाशक्तिशाली कैरेक्टर्स परशुराम के आगे 2 मिनट भी नहीं टिक पाते क्योंकि परशुराम उनके गुरु और उनके गुरुओं के भी गुरु थे जो कि ब्राह्मण होने के बावजूद एंशियंट हिस्ट्री के स्कैरियस्ट और सबसे खतरनाक योद्धा थे। भगवान परशुराम ने पूरे 21 बार पूरी धरती को क्षत्रिय मुक्त करके उसे जीता था और इसी वजह से जब वो सीता माता के स्वयंवर में भी गए थे तो सभी राजा सिर्फ उन्हें देख कर ही सहम गए थे। भगवान परशुराम मन की गति से चल सकते थे, उनके पास हर टाइप के अस्त्र शस्त्र भी थे और वो हर टाइप की फाइटिंग टेक्निक में एक्सपर्ट थे। भगवान परशुराम के पास परशु, शिव धनुष, त्रिशूल, सुदर्शन चक्र और ब्रह्मास्त्र जैसी वेपन्स भी थी जो कि अपने तपोबल से पूरे यूनिवर्स को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकते थे। तो अब बात कर लेते हैं थैनोस की और जानने की कोशिश करते हैं क्या कि थैनोस कितना पावरफुल है। तो थैनोस एक मैड टाइटन है जो कि यूनिवर्स में बैलेंस बनाने और यूनिवर्स को बचाने के लिए 2-2 बार मरा। थैनोस यूनिवर्स में बैलेंस बनाने के लिए दुनिया की आधी पॉपुलेशन को बिना किसी भेदभाव के मारना चाहता था और बाकी एवेंजर्स को उसका ये आइडिया उतना भी पसंद नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने उसका नाम मैड टाइटन रख दिया। बात करें कुछ पावर्स की तो थैनोस के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और इमोर्टैलिटी जैसी पावर्स है। मतलब वो फाइट के दौरान तो मर सकता है पर एजिंग के थ्रू बूढ़ा होकर कभी नहीं मर सकता। साथ ही उसके पास एक्सीलरेटेड हीलिंग भी है जिससे उसके घाव बहुत ही जल्दी बढ़ते हैं जो कि एक अल्टीमेट किलिंग मशीन है जिसने लाखों प्लैनेट्स के करोड़ों लोगों को मारकर उन्हें कॉन्कर किया है, वो भी बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के। और अगर उसे इन्फिनिटी स्टोन्स भी मिल जाएं तो उसकी पावर्स और भी कई हजार गुना तक बढ़ जाती हैं, जिससे वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय करके नए यूनिवर्स को क्रिएट भी कर सकता है जो कि वो एंड गेम में करने भी वाला था क्योंकि वो समझ चुका था कि इंसान सिर्फ अपनी पुरानी बातों को याद करके उसे रोता रहता है और अपने जख्मों को चाटता रहता है और कभी भी यहाँ से आगे बढ़कर डेवलप नहीं हो सकता और ना ही डेवलप होना
करना डिजर्व करता है, इसलिए बेस्ट आइडिया था सभी को मारकर एक नया यूनिवर्स क्रिएट करना और फिर वहाँ का गॉड बनकर सभी चीजों को परफेक्टली अपने हिसाब से बैलेंस करना, जो कि वो कर भी सकता था क्योंकि ऑब्वियसली गॉड की बात को कौन ही टालेगा। थानोस के पास हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस है और वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कितना ज्यादा मास्टर है इसे तुम एंड गेम में देख ही सकते हो। जब उसने दो ही सेकंड में हल्क को हरा दिया था, कैप्टन अमेरिका की शील्ड तोड़ दी थी, थॉर को ऑलमोस्ट मार डाला था और कोई भी एवेंजर उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो यदि थानोस की पावर्स और थानोस और परशुराम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो थानोस बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसने हजारों प्लैनेट्स पर लाखों लड़ाइयां लड़कर करोड़ों लोगों को मारकर उन्हें कॉन्कर किया है, वो भी बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के। जबकि दूसरी तरफ भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार महादेव के शिष्य थे जिनके पास बहुत सारी दिव्य शक्तियां अस्त्र और शस्त्र भी थे। थानोस अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ भगवान परशुराम पर अटैक करेगा, पर परशुराम बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल थे जो कि मन की गति से चल सकते थे और उनके पास बहुत सारी दिव्य शक्तियां भी थी, इसलिए वो थानोस के किसी भी अटैक को इजीली डॉज या सर्वाइव कर सकते हैं। साथ ही भगवान परशुराम के पास परशु शिव धनुष त्रिशूल सुदर्शन चक्र और ब्रह्मास्त्र जैसी वेपन्स भी हैं जो कि एक ही सेकंड में किसी व्यक्ति विशेष के साथ साथ पूरे के पूरे प्लैनेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। थानोस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और ड्यूरेबल है, पर भगवान परशुराम ने सिर्फ गुरु दक्षिणा के लिए लाखों महाशक्तिशाली अस्त्रों को कुछ ही मिनटों में मार डाला था और पूरे 21 बार हर एक क्षत्रिय चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो उसे मारकर पूरी अर्थ को कॉन्कर कर लिया था। और अगर इवन थानोस को सभी इन्फिनिटी स्टोन्स भी दे दिए जाएं तो परशुराम मन की गति से चलकर ही अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करके एक ही सेकंड में उसके स्नैप करने से पहले ही उसे एग्जिस्टेंस तक से इरेज कर सकते हैं। इन द एंड थानोस पावरफुल तो बहुत है, पर एमसीयू का ये मैड टाइटन इतना पावरफुल होने के बावजूद परशुराम को ना ही मार सकता है ना ही हरा सकता है, जबकि भगवान परशुराम थानोस को मार भी सकते हैं और उसे हरा भी सकते हैं, इसलिए परशुराम इस फाइट के एक अल्टीमेट विनर होंगे और फाइट में चाहे जो भी हो इन द एंड जीतेंगे भगवान परशुराम ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।